एक खबर आ रही है टाइटन पनडुब्बी से जुड़ी हुई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि टाइटन पनडुब्बी तेज धमाके के बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसा 5 दिन पहले तब हुआ जब उस पनडुब्बी में 5 लोग सवार होकर अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक टाइटन पनडुब्बी का मलबा बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया, जो 18 जून से ही अटलांटिक महासागर के चप्पे चप्पे की तलाशी में जुटे थे। लेकिन 5 दिनों तक तलाश करने के बाद समंदर में पनडुब्बी का मलबा मिला। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने के बाद से ही पूरी दुनिया में लोग उसमें सवार 5 लोगों की सलामती की दुआ कर रहे थे। पनडुब्बी 18 जून को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी। लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक समंदर में उतरने के कुछ देर बाद ही टाइटन पनडुब्बी में तेज धमाका हुआ था, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। ये पनडुब्बी 18 जून को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी, लेकिन समंदर में उतरने के 2 घंटे बाद ही उसका संपर्क अपने जहाज से टूट गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीमों ने अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेना भी इस अभियान से जुड़ गई। लेकिन 5 दिनों तक समंदर में चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद उन्हें टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के नजदीक मिला। टाइटैनिक जहाज का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 644 किलोमीटर दक्षिण में है, और टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलते ही उसमें सवार सभी लोगों के मिलने की संभावना भी खत्म हो गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक पनडुब्बी में भारी दबाव के बाद हुए धमाके की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें टाइटन पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए 5 लोग अपनी जान गंवा बैठे। रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने के बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने इस हादसे में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। I offer my deepest condolences to the families. टाइटन पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे, जिनमें ब्रिटेन के कारोबारी हैमिश हार्डिंग भी थे, जो एयरक्राफ्ट कंपनी एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे। उनके साथ पाकिस्तान के सबसे अमीर कारोबारी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी इस पनडुब्बी में सवार थे। इनके अलावा फ्रांस की नौसेना के अधिकारी पॉल हेनरी और टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश भी इसमें मौजूद थे। उधर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का दावा है कि अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी का मलबा ढूंढने में रिमोट से चलने वाली मशीन ओडिसियस 6K ने बड़ी भूमिका निभाई। दावा है कि इस पनडुब्बी की तलाश में अटलांटिक महासागर का हजारों किलोमीटर का इलाका छान मारा गया, और इसके लिए दुनिया भर से कई जहाजों को भी लगाया गया। लेकिन 5 दिनों तक चले इस तलाशी अभियान के बाद टाइटन पनडुब्बी के मलबे को ढूंढने में रिमोट से चलने वाली ओडिसियस 6K मशीन की सबसे बड़ी भूमिका रही। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस मशीन को अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है, जो समंदर की सतह तक जाने में सक्षम है, और इसी मशीन ने 22 फीट लंबी टाइटन पनडुब्बी की तलाश में टाइटैनिक जहाज के आसपास के पूरे इलाके को छान मारा। दावा है कि काफी तलाशी के बाद ओडिसियस 6K मशीन को टाइटैनिक जहाज के नजदीक ही टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिला। इस बीच अमेरिकी नौसेना ने दावा किया कि उसके खुफिया हथियार ने टाइटन पनडुब्बी में हुए धमाके की आवाज सबसे पहले सुनी थी। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक उसने कई दिन पहले ही यह आवाज उसी जगह सुनी जहां अंतिम बार टाइटन पनडुब्बी ने अपने जहाज से संपर्क किया था, और इसके लिए अमेरिकी नौसेना ने एक ऐसे खुफिया उपकरण का इस्तेमाल किया जो समंदर की गहराइयों में किसी भी आवाज को आसानी से सुन सकता है। दावा है कि 18 जून यानी जिस दिन टाइटन पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए रवाना हुई थी, उसी दिन अमेरिकी नौसेना ने अटलांटिक महासागर में धमाके की आवाज सुनी थी। लेकिन खबर है कि वो बिना सबूत किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती थी, इसी वजह से अमेरिकी नौसेना ने ये बात छिपा कर रखी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने जिस खुफिया उपकरण से धमाके की आवाज सुनी थी, उसका इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। वहीं टाइटन पनडुब्बी हादसे के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि इस घटना की भविष्यवाणी 14 साल पहले ही कर दी गई थी। अटलांटिक महासागर में 18 जून को रवाना हुई टाइटन पनडुब्बी में धमाका होने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई, और ये सभी लोग टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। इस बीच टाइटन पनडुब्बी हादसे पर ये अटकलें भी शुरू हो गई कि 2009 में ही इस घटना की भविष्यवाणी भी कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल पहले अमेरिकी एनिमेटेड टीवी सीरीज द सिम्पसंस में इसी तरह के हादसे को दिखाया गया था। उस शो में भी एक पनडुब्बी समंदर में फंस गई थी और फिर तेज धमाके के साथ वो तबाह हो गई थी। दावा है कि इससे पहले भी इस सीरीज में दिखाई गई कुछ घटनाएं सच साबित हुई हैं। खास बात यह कि इस सीरीज को बनाने वाली टीम के एक सदस्य पिछले साल टाइटन पनडुब्बी में ही सवार होकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी पर 5 साल पहले सुरक्षा मानकों को न मानने का आरोप भी लगा था। ये पनडुब्बी लोगों को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन टाइटन पनडुब्बी में धमाका होने से उन सभी की मौत हो गई। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट पर 2018 में सुरक्षा मानकों को न मानने का आरोप लगा था। हैरानी की बात यह कि आरोप लगाने वाला ओशन गेट कंपनी का ही एक कर्मचारी था, जिसने 5 साल पहले टाइटन पनडुब्बी में कई खामियों का पता लगाकर अपनी कंपनी को आगाह किया। लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसकी सलाह को मानने के बजाय उसे कंपनी से ही निकाल दिया गया था।
बाद में उसने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि टाइटन पनडुब्बी में उन खामियों को दूर नहीं किया गया जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर में यह पनडुब्बी हादसे का शिकार हो गई।